भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के तहत आज डीडवाना में जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जैतारण के विधायक अविनाश गहलोत ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार हावी है। इसके खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से आम जनता त्रस्त है। राजस्थान में पुनः सुशासन कायम करने के लिए आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश में पेपर लीक को लेकर कहा कि अब तक प्रदेश में 16 परीक्षाएं हुई है और सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। हमने सभी मामले में CBI जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार CBI जांच इसलिए नहीं करवाना चाहती है कि रीट पेपर लीक मामले में सत्ताधारी पार्टी के 5 विधायक व 3 मंत्रियों का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार CBI जांच करवाती है तो ये सभी लोग जेल जाते हैं और सरकार भी एक्सपोज होती है। इसलिए सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की मिलीभगत से यह पेपर लीक का गोरख धंधा चल रहा है। इससे राजस्थान के बेरोजगारों का भविष्य चौपट हो रहा है। मेघवाल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि पेपर लीक की जांच CBI से करवाई जाए, जिससे बार बार पेपर लीक की घटनाएं बंद हों। दो धड़ों में बैठी हुई सरकार, दो धड़ों में, एक धड़े का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं और एक धड़े का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी इसका विश्लेषण करेंगे कभी, तो इन 4 सालों की सरकार को वो कहेंगे अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार। हमेशा अशोक गहलोत साहब को डर लगा कि मेरी सरकार कहीं सचिन पायलट साहब गिरा नहीं। सचिन पायलट के इतना आदमी अभी कांग्रेस और अशोक गहलोत हमारे पे आरोप लगा रहे, ये झूठ में बनी हुई सरकार झूठ का सारा लेकर के 4 साल निकल, किसका आदमी हुई सचिन पायलट? कांग्रेस का। किसको लेके गए सतीश माने सर? कांग्रेस के आने ले इसको, क्यों बीजेपी को पहुंचे दो भाई? लेकिन झूठ का सारा, क्योंकि झूठ में ही बनी थी ना। हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, झूठ, ऋण माफ हुई। हम बेरोजगारों को बता देंगे, झूठ। हम रोजगार देंगे, झूठ। तो बेपरी लिखो ना, छोड़ मारो। ऐसे झूठ के सहारे पे ये सरकार बनी और झूठ के सहारे 4 साल निकाल बीजेपी हमारी सरकार गिरा दी। अनस्टेबल गवर्नमेंट ये कांग्रेस ने दी, और जब सरकार अनस्टेबल होती है तो डेवलपमेंट रुक जाता है, गवर्नेंस गायब हो जाता है और ऐसा ही हुआ, अपराध बढ़ जाते हैं। राजस्थान शांति प्रिय राज्य, राजस्थान को कुछ लोग रेपिस्तान कहने लगे, अपराधों की राजधानी कहने लगे। मैं दिल्ली में मीडिया के साथ कई बार बैठता हूँ, बात करता हूँ कि साहब इतने अपराध क्यों बढ़े, तो वहां भी मैं कहता हूँ कि जब सरकार में 2 मुखिया हो सकते हैं तो वो सरकार गवर्नेंस नहीं कर सकती, वो शासन कुशासन में बदल जाता है। थानाजी कब आपका हुआ था गैंग रेप का कांड, तब से लेकर के कोई जिला नहीं बचा कि सामूहिक बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई और अपराधी पकड़ नहीं गए। पेपर लीक हो गए, अपराधी पकड़ नहीं गए। बैंक लूट लिए, अपराधी पकड़ नहीं गए। और थाना भी लूट गए, पिस्तौल विस्तौल भी लेंगे तो भी अपराधी पकड़ नहीं पाते। तो फिर ऐसी सरकार का क्या करें, क्या करें? ऐसी सरकार को काट फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, पूरा सम्मानित मंच, और हम आपके बीच में आए हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। 4 साल हो गया, पेपर नारा लीक, बलात्कार नारा, दलित अत्याचार बड़ी यात्रा मैंने कहने गयो कि डीडवाना के पालोट गांव की अनुसूचित जाति महिला के साथ गैंगरेप भी गैंगरेप, और आज तक न्याय नहीं मिला। विरोध नहीं हो, विरोध नहीं, मौला से डीडवाना में अनुसूचित जाति की जमीन पर विधायक के चेतन द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया और न्याय नहीं मिला। अब वो MLA
के चहेते ये नया एक सिस्टम आया है। मुख्यमंत्री तो होता है, चलो यहां तो हो गए। मुझे लगता है यहां जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं और जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो सब अपना आपको मनीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं और अपराध कर रहे हैं और अशोक गहलोत साहब झूठ दे रहे हैं क्योंकि हमें डर लगे कि यह लुका नहीं था हमारी सरकार के राज्य इसी सरकार को कहीं करो भाई कहीं करो कहीं करेंगे ऐसी सरकार कोई काम की नहीं है इसलिए सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए एक नारा जोर से मारो हथौड़ा दोड़ा सूर लारो झूठे चोरा सूर बोलो दोर मारो हथौड़ा दोड़ा सूर और लारो झूठे चोरा सूर मारो हथौड़ा दोड़ा सूर लारो झूठे चोरा सूर। तो भाई साहब 2023 में थोड़ी ये मैं काम सी फिर और वोट ना बीजेपी दे दिया।